अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने साफ कह दिया है कि अमेरिका रूस से कच्चे तेल व गैस को आयात नहीं करेगा। इस बीच पेप्सिको ने भी रूस से उत्पादन और बिक्री को बंद कर दिया है। जी हां, आपको बता दें जेलेंस्की के तेवर नरम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के तेवर नरम होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में इसके संकेत मिले हैं। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश नाटो में शामिल होने पर जोर नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि नाटो उन्हें अब नहीं चाहता। रूस लगातार यूक्रेन को नाटो से दूरी बनाने के लिए कहता रहा है। इस दौरान उन्होंने दोनेत्स्क और लुहानस्क समझौते पर भी विचार के संकेत दिए हैं। यूक्रेन संकट के लिए नाटो जिम्मेदार वेनेजुएला राष्ट्रपति यूक्रेन संकट पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति से नाटो को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पश्चिम देशों ने नाटो का विस्तार कर रूस को उकसाया है। ये सभी देश दशकों तक रूस को धमकियां देते रहे हैं, इसलिए वर्तमान संकट के लिए यही देश जिम्मेदार है। यूक्रेन के सुमी में 22 की मौत। जी हाँ, आपको बताएं कि रूस की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में कम से कम 22 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक इनमें से 3 बच्चे भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।